मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट में, जहां मैं आज आपको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं। आइए शुरुआत करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, जो रीड के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है शिक्षा, दूसरा है मनोविज्ञान, मतलब शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। इसलिए सबसे पहले आज अपन शिक्षा को समझेंगे और बाद में मनोविज्ञान, फिर दोनों को कंबाइन करके शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा क्या है सबसे पहले वो पढ़ते हैं, शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का प्राचीन और आधुनिक अलग अलग अर्थ है। प्राचीन अर्थ, प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था, जो संस्कृत के विद धातु से बना है और विद धातु से मूल शब्द है वो है विद्वान। इसलिए विद धातु या विद्वान का अर्थ होता है ज्ञाता, इसलिए विद्या का अर्थ है ज्ञान से। मतलब प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि होते थे, जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, वो कैसी थी, विद्या दी जाती थी। मतलब एक गुरुकुल में गुरुजी द्वारा अपने अंदर जो भी ज्ञान था वो बच्चों में दे दिया जाता था, जो भी मतलब शारीरिक ज्ञान भी था, मानसिक ज्ञान भी था, बौद्धिक, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सब प्रकार के ज्ञान को बच्चों में दे दिया जाता था। इसलिए प्राचीन समय में उसे क्या कहा जाता था, विद्या कहा जाता था। एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि प्राचीन समय में केवल प्रतिलिपि का अभाव था, एक ही प्रतिलिपि थी, तो गुरुजी के पास जो प्रतिलिपि होती थी वो गुरुजी उसको कंठस्थ बोलते थे और बालक उसको कंठस्थ याद कर लेता था। इसमें जो पुस्तक थी वो गुरुजी के पास ही थी, बच्चों के पास नहीं थी, तो बच्चों के पास ऐसा कोई साधन नहीं था, गुरुजी जैसा बोलते थे वो उसी समय ग्रहण कर लेते। तो यहां पर शिक्षा का स्वरूप कैसा था, एक मुखी था, केवल गुरुजी ही सक्रिय थे, बालक केवल गुरुजी द्वारा कहे हुए शब्दों को सुन लेते थे। लेकिन वर्तमान में या आधुनिक समय में शिक्षा का हिंदी और अंग्रेजी दो अर्थ है, हिंदी में और इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं शिक्षा, जो आज हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में शिक्षा को कहते हैं एजुकेशन। शिक्षा ये भी मूल रूप से संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। क्या सीखना, जो बालक को आवश्यक हो, जो बालक को चाहिए रुचि के अनुसार। और अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, ये एजुकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के किससे बना है, तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एडुकेटम, दूसरा है एडुकेयर और तीसरा है एडुसियर, जिसमें एडुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना। क्या अर्थ होता है, शिक्षित करना, या मूल स्वरूप क्या है इसका, ये किससे बना हुआ, ड्यूको का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है मतलब एक बालक के अंदर जो नीत है वो उन शक्तियों को बाहर लाना। एडुकेयर, केयर का मतलब होता है देखभाल करना, तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक की देखभाल करे। या उसका पालन पोषण करे। और एडुसियर का मतलब होता है बालक को विकसित करना या आगे
बढ़ाना। तो शिक्षा का प्राचीन और आधुनिक अर्थ अलग अलग है। प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था, आधुनिक समय में शिक्षा को हिंदी में शिक्षा और इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन मूल रूप से लैटिन भाषा का शब्द है जो किससे मिलकर बना है। कई बार प्रश्न आया हुआ एडुकेटम, एडुकेर और एडुसेर तीनों से मिलकर बना है। एडुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना या ईड्यूको से मिलकर बना है, इसे अंदर से बाहर निकालना भी कहते हैं। एडुकेयर का मतलब होता है देखभाल करना या पालन पोषण करना, मतलब भविष्य के लिए जीवन यापन के लिए उसकी देखभाल करना। और एडुक्शियर का मतलब होता है विकसित करना, आगे बढ़ाना, देश की उन्नति में सहयोग करना। ठीक है, चाहे तो आप इसकी पिक खींच सकते हैं। अब आगे अपन देखते हैं कि शिक्षा का प्राचीन और आधुनिक जो अर्थ है इसका मूल स्वरूप कैसा है, इसका मूल अर्थ हमने क्या समझा कि शिक्षा कैसी है। तो शिक्षा के अर्थ अलग अलग समय अलग अलग मनोविज्ञान ने शिक्षा के अलग अलग अर्थ बताए। जैसे मैं कुछ बता रहा हूं आपको, सबसे पहले संकुचित अर्थ शिक्षा का। संकुचित छोटे शब्दों में कहें तो शिक्षा का अर्थ क्या है, सीखना। क्या अर्थ है भाई, सीखना या पढ़ना व पढ़ाना। व्यापक अर्थ की बात करें तो व्यापक अर्थ का मतलब है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास या सर्वांगीण विकास से क्या मतलब है, सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि शिक्षा मूल रूप से क्या कार्य करती है, बालक के मस्तिष्क का विकास करती है। लेकिन सर्वांगीण विकास का मतलब है सभी पहलुओं का विकास करना। सभी पहलुओं का मतलब शारीरिक विकास भी करना, मानसिक विकास भी करना, बौद्धिक विकास भी करना, चारित्रिक विकास भी करना, सामाजिक विकास भी करना, नैतिक विकास भी करना, ये सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर शिक्षा कर पढ़ाना। तीसरा, प्राचीन मनुष्यों द्वारा शिक्षा का क्या अर्थ है, प्राचीन मनुष्यों का अर्थ है सा विद्या या विमुक्ति। मतलब विद्या से ही मुक्ति आती है। चौथा, प्रजातांत्रिक अर्थ, प्रजातांत्रिक अर्थ है देश के हित में उसका शिक्षा का क्या अर्थ है कि बालक में राष्ट्रीय एकता का विकास करना। और विश्लेषणात्मक तौर पर बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था तक बालक की जन्मजात शक्तियों का बाहर लाना है। ये विश्लेषण तो ठीक है। तो अलग अलग समय में अलग अलग अर्थ उनके हैं। या हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है कि ज्ञानी द्वारा अज्ञानियों को दी जाने वाला ज्ञान शिक्षा है, शिक्षित द्वारा अशिक्षित को दिया जाने वाला ज्ञान क्या है, शिक्षा है, या विद्वान द्वारा मूर्ख को दिया जाने वाला ज्ञान क्या है भाई, शिक्षा है। ठीक है, ये आपके शिक्षा के विभिन्न अर्थ। अब हम कुछ